एटमी इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा, एटमी भारत में कभी काम नहीं करेगा। सर, आप क्यों अपनी इंडिया की इनकम विदेश में भेजना चाहते हो? सर, क्या आप इंडियन नहीं हो जो विदेशी कंपनी को काम करते हो? क्या आप इंडियन होने के नाते, क्या इंडिया में इतने सारे MLM कंपनी है, आप उसमें काम नहीं करोगे क्या? सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लोकल के लिए वोकल होना है, और आप फॉरेन कंपनी और फॉरेन प्रोडक्ट को का प्रमोशन कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या आपको इंडियन कंपनी पे भरोसा नहीं है? क्या एटमी चाइनीज कंपनी है? आप लोग भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को फेस कर रहे होंगे, जिसमें आप कभी कभी नर्वस भी हो जाते होंगे, और सामने वाले बंदे को तू तड़ा या मैं तू या तू तू मैं कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक टिके रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हेलो माय डियर ऑल एटमी डायनेमिक टीम मेंबर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एटमी इंडिया विथ रोशन झा। मेरे जितने भी डायनेमिक टीम मेंबर्स हैं, उन सबको आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन बातें बताने वाला हूं। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मेरी टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर, और हर वीडियो पे 100 लाइक्स होने चाहिए। जिस दिन 5000 प्लस सब्सक्राइबर और 100 प्लस हर वीडियो पे लाइक आना शुरू हो जाएगा, उस दिन से मैं ये वीडियो मेकिंग छोड़ के लाइव आके आपको हर बात बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब देना। लोगों का कहना है कि सर, एटमी तो हवा बेच रही है, 2 साल से मैं सुन रहा हूँ। सर जी, ये चीट फंड कंपनी नहीं है कि 2 लोगों को लेके आओ, 5000 रुपए जल्दी से उनका इन्वेस्ट करवाओ, उसमें से 1000 कमीशन लेके भाग जाओ, बाकी बचा 4000-8000 रुपए वो मैं लेके भाग जाऊंगा। ये वैसी कंपनी नहीं है। इसने पहले ही मोटो सेट कर रखा है कि जब तक इंडिया में 50 लाख एटमी मेंबर्स नहीं होंगे, मैं इंडिया में लॉन्च नहीं करूंगा। और आपको जान के खुशी होगी कि एटमी के जो मेंबर्स हैं वो 50 लाख हो चुके हैं। और रही बात एटमी की लॉन्चिंग की, सर जी, इसने कभी नहीं कहा कि मैं इस डेट को लॉन्च करूंगा। इसने एक्सपेक्टेड डेट डाला था, और कंपनी कहती है कि मैं किसी भी देश में 2 साल के लिए प्री लॉन्चिंग में रहता हूं, ताकि वहां के मेंबर्स अपनी टीम को अच्छी ढंग से मेंटेन कर सके, और उससे अचीवमेंट लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब कंपनी इसलिए टाइम देती है ताकि उसे इस चीज की वेट ना करना पड़े। मुझे सेल्स मास्टर की अनाउंसमेंट करते हुए 6 महीने बीत जाए। कंपनी इसलिए टाइम देती है कि जैसे ही मैं अपनी डेट लॉन्च करूंगा, 15 से 30वें दिन के अंदर मैं कम से कम सैकड़ों सेल्स मास्टर को अवार्ड दे सकूं। सवाल कि एटमी इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा, इन लोगों को मैं एक वीडियो के थ्रू मैं समझा दूं कि एटमी इंडिया में लॉन्च डेफिनेटली करेगी, क्योंकि जिन लोगों को ये बात पे यकीन है ना कि एटमी इंडिया में लॉन्च नहीं करेगी, उनको बहुत जल्द एटमी करारा जवाब दे रही है, जो कि आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दिखाई देने लगेगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बता दूं, साउथ कोरिया की कंपनी है एटमी। इस जवाब में आपको 2-3 सवालों का जवाब एक साथ मिल जाएगा। एटमी साउथ कोरिया की कंपनी है। टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे वर्ल्ड में साउथ कोरिया के बारे में सभी लोग जानते हैं। इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पे साउथ कोरिया की कोई ना कोई एक होम अप्लायंस या प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल ना हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, फिर वो एक रिक्शा चालक हो, या फिर अनिल अंबानी, विजय माल्या, या फिर इन्हीं के तरह बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो क्यों ना हो, उनके पास का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट
जरूर होगा। और सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास लें तो कम से कम और कुछ ना तो सैमसंग की मोबाइल या सैमसंग की एसोसरीज या एलजी की एसोसरीज जरूर यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल का जवाब है, एटमी इंडिया में काम नहीं करेगी। ऐसा तो मैंने अभी बता दिया कि इतने सारे ऑलरेडी साउथ कोरिया के प्रोडक्ट इंडिया में काम कर रही है, सबके ऑफिस हैं और सब अच्छे खासे, ये भी नहीं कि कोई लोकल लेवल पे इन लोगों का नाम है, अच्छा खासा नाम है, आप गूगल कर सकते हो, मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ उसे देख सकते हो। मैंने गूगल बाबा से पूछा कि साउथ कोरिया की कंपनी इंडिया में कितनी है, उसमें से टॉप 10 के बारे में बताओ। सबसे पहला रिजल्ट जो निकल के आया, गूगल बाबा ने बताया कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो साउथ कोरिया की कंपनी है और अपने इंडिया में अभी रनिंग पोजीशन पे है, जो कि नंबर 1 कंपनी है। आप भी गूगल कर सकते हो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया 2018, 20 प्लस स्मार्टफोन मॉडल्स हैं, ये कोई पेज मेकर का बनाया हुआ नहीं है, आप भी गूगल बाबा से पूछ लेना। सेकंड नंबर पे आता है एलजी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है। आप यहाँ पढ़ रहे होंगे साउथ कोरिया की कंपनी है, एलसीडी टेलीविजन, होम अप्लायंस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इंडियन सब कॉन्टेंट्स ये बनाते हैं। उसके बाद थर्ड कंपनी मैंने जो देखा वो था हुंडई, हुंडई मोटर कंपनी सेलर सर्विस। आप देख रहे हैं इंडिया में 16.2% मार्केट सिर्फ ऑटोमोबाइल का हुंडई ने कब्जा करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इंडिया में 16.2% मार्केट है। फिर काई मोटर्स इज सेकंड मोस्ट पॉपुलर साउथ कोरियन ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। आप देख सकते हैं आफ्टर हुंडई के बाद एक और नई ऑटोमोबाइल कंपनी है काई, जो कि इंडिया में काम करती है, एसयूवी वगैरह बनाती है, ये भी साउथ कोरिया का ही है। नेक्स्ट आते हैं जो कि है पोस्को आयरन एंड स्टील। आप देख लीजिए साउथ कोरिया आयरन और स्टील में भी भारत में अपनी नेटवर्क बना के रखी है। पोस्को इज स्टील मेकिंग कंपनी फ्रॉम साउथ कोरिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी इन द वर्ल्ड बाय मार्केटिंग वैल्यू। उसके बाद भी और भी बहुत सारे कंपनी है, मैंने टॉप 10 किया तो इसमें 10 होंगे। अब IBK बैंक है, जो कि इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया हैज नंबर 1 ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड वगैरह वगैरह, इसमें बहुत कुछ है, आप पढ़ लेंगे। एक बार गूगल बाबा से पूछेंगे कि साउथ कोरिया की कितनी कंपनियां हैं जो इंडिया में रनिंग पोजीशन पे है, और सिर्फ रनिंग ही नहीं सर, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट एफोर्ट के साथ इंडिया में वर्क कर रही है। आप चलिए छोटा सा दिखाता हूं मैं, ये लोटी, ये एक कॉफी बाइट के नाम से आती है, जो कि हम लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो आप और भी देख सकते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ह्यूमन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, गुड्स एंड गारमेंट्स में, ऑटोमोबाइल में, सेलफोन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह साउथ कोरिया की प्रोडक्ट इंडिया में है। और आपको एक बात बता दूं कि वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी अगर कोई डेवलप करता है तो वो साउथ कोरिया करती है। तीसरा सवाल था, आप क्यों इंडिया का पैसा विदेश में भेजना चाहते हो? सर जी, अगर ये सवाल आप कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एंगल से पढ़े लिखे होंगे। फिर भी आपके नॉलेज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं कि हम इंडिया के पैसे को विदेश नहीं भेज रहे हैं, बल्कि GSGS सिस्टम के थ्रू इंडिया के प्रोडक्ट को, इंडिया के वैल्यूएबल प्रोडक्ट को विदेश में बेच भी रहे हैं, और विदेश में अपनी टीम बना के विदेशों की पैसा इंडिया में टैक्स के थ्रू दे भी रहे हैं। तो ये सवाल आप किसी से ना ही पूछें नेक्स्ट टाइम से, तो बेटर होगा, आपके नॉलेज पे वो सवाल नहीं करेगा। नेक्स्ट सवाल था कि आप इंडियन नहीं हो जो विदेशी कंपनी में काम कर रहे हो। सर जी, इंडिया में मैक्सिमम ऐसे कंपनी हैं जो कि विदेशी हैं। इवन कि आप जिस मोबाइल से प्रचार कर रहे हो, जिस सोशल मीडिया ऐप से प्रचार कर रहे हो, वो सारे विदेशी हैं। आप उन्हें यूज करना छोड़ दो। इवन आप जिस लैंग्वेज में टाइप कर रहे हो ना,
वो भी इंडियन नहीं है, हमारे यहाँ हिंदी संस्कृत उर्दू चलती है, लोकल लैंग्वेज पे बहुत सारे हमारे देश में लैंग्वेजेस हैं जो लोकल हैं वो चलते हैं, आप उसे ना यूज करके क्यों इंग्लिश यूज करते हो। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे लैंग्वेज तो हम यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, मतलब उनके कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी में उनकी देशभक्ति है, बाकी और किसी भी चीज में उनकी देशभक्ति नजर नहीं आती है। आप लोग भी इस चीज को गौर करेंगे। नेक्स्ट है, क्या आप इंडियन MLM नहीं कर सकते? सर जी कर क्यों नहीं सकते हैं, तो हम हर एक MLM को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, लेकिन उसमें दम भी तो ऐसी होनी चाहिए जो कि मैं इंडिया के बाहर भी कर सकूं और इंडिया में भी कर सकूं, एक ही ID मेरी वर्ल्ड में वैलिड हो, ऊपर से मेरी एक ID पे जो इनकम हो वर्ल्ड वाइड हो, उसमें किसी तरह की बॉन्डेशन ना हो कि आपको मंथली ये परचेज करना होगा, ये प्रोडक्ट लेना ही होगा। अब मैं कंपनियों का नाम तो नहीं लूंगा, बट सुनने वाले समझ रहे होंगे कि मैं उनके कंपनी की बात कर रहा हूँ जो मंथली बिना मतलब का परचेजिंग करवाते हैं, आपको इतना का लेना ही है तभी ये अचीवमेंट होगा, ये नहीं लेंगे तो ये नहीं होगा, आपकी अचीवमेंट रोक दी जाएगी, आपकी इनकम रुक जाएगी, आपकी इंसेंटिव रोक दी जाएगी। इस चक्कर में कमाता 10,000 है बंदा और इन्वेस्ट 60,000 कर देता। नेक्स्ट सवाल था, इंडियन होके विदेशी कंपनी का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? सर 90% तो मैंने बोल दिया ना, अभी विदेशी कंपनी ही है, और मैक्सिमम लोग पता है क्या बोलते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था लोकल को वोकल करने के लिए, सर जी वही चीज कर रहे हैं। हमारी एटमी में भी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल्स कहते हैं, यानी कि GSGS सिस्टम, जिसमें हम अपने लोकल को ग्लोबल यानी पूरी वर्ल्ड में अभी 16 देशों में बेच सकते हैं, आने वाले 44 देश और भी इसमें लिस्ट में लगने वाले हैं, और आते आते पूरे 196 देशों में भी हम अपने इंडियन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसको कहते हैं लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट में आपको भरोसा नहीं? सर जी नहीं है यार, आप देख तो लो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो मोटिवेशन छोड़ो, सेट वर्कर की तरह बात करना छोड़ो, एक नेटवर्कर की तरह फैक्ट को चेक करो, क्या आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो वाकई 100% सिक्योर्ड है? क्या आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट भी दे रहा है? क्या आपके कंपनी के जो मेडिसिन है वो अदर मेडिसिन बंद करने के बाद भी काम कर रहा है? जैसे एटमी दावा करती है कि आप अगर हेमोहीम यूज करते हैं तो अगर आप अपने लिए कोई अदर मेडिसिन यूज करते हैं तो उसे बंद करके पहले हेमोहीम का रिजल्ट चेक करें, उसके बाद ही आगे का वर्क करें। अगर आपकी आईसाइट प्रॉब्लम है, अगर आप लुटीन इसका यूज कर रहे हैं तो पहले दूसरे जो मेडिसिन है एलोपैथिक उसकी आई ड्रॉप और मेडिसिन लेना बंद करें, सिर्फ लुटीन यूज करें और फिर इसका रिजल्ट चेक करें। अगर रिजल्ट 100% सही नहीं आता हो तो आप नेक्स्ट टाइम से लुटीन ना यूज करें। ये सारा दावा करती है कंपनी, यूं ही हवा में बात नहीं होता सर। नेक्स्ट था, क्या एटमी चाइना की कंपनी है? सर जी अगर चाइना की कंपनी होती ना तो मैं खुद ही नहीं करता और ना मैं अपने किसी टीम लीडर्स को करने देता। ये चाइना से आपकी जब लड़ाई हुई ना तब आप जाके देशभक्ति दिखा रहे हो, मैं तो बचपन से दिखा रहा हूँ और मेरे टीम मेंबर्स भी, मैक्सिमम मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे टीम मेंबर्स भी इस बात को फॉलो करते होंगे। मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूँ, देशभक्ति की जज्बात दिल में होनी चाहिए, देशभक्ति के जज्बात दिल में होनी चाहिए, ना कि उस कंपनी में जो देश में बना हो और उसके प्रोडक्ट में दम ना हो। ठीक है, देशभक्ति अच्छी बात है, होना चाहिए, जुनून के साथ होना चाहिए, लेकिन याद रखो कि आप देशभक्ति जिसके लिए कर रहे हो क्या वो हमारे देश के लिए उतनी भक्ति कर रही है?
मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं पूरा डिटेल ही बता देता कि एटमी इंडिया को कितने टैक्स देती है और भारत के लोकल कंपनी इंडिया को कितने टैक्स देती है। रही हमारी और आपकी बात, सर जी हम लोग TDS 5-10% ही देते हैं, और मैं जो TDS दूंगा वो 16 देशों की इनकम को मिला के दूंगा, और आप जो TDS देंगे वो सिर्फ इंडिया के इनकम को मिला के देंगे। यानी कि आपके इंडिया में कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसके बेनिफिट को, इंसेंटिव को ऐड करने के बाद आपकी जो कमीशन आएंगी उन पे 5-10% की आप टैक्स दोगे, और मैं 16 देशों में मेरी जो नेटवर्क होगी उस देशों में जितनी मेरी कमीशन होंगी उसको ऐड करने के बाद उसका 10% दूंगा। अगर एक कैलकुलेशन में बताऊं ना, तो अगर आपने इंडिया में 1000 का प्रोडक्ट सेल किया और उसमें से आपको 100 रुपए का इनकम मिला, तो आप 5-10 रुपए का सरकार को टैक्स दोगे, जिसके लिए आप ढोल बजाते हो कि मैं देश को सपोर्ट करता हूं। और अगर वही चीज मैं एटमी के थ्रू कर रहा हूं और ज्यादा नहीं 100-100 रुपए मैं 10 देशों में सेल किया, 1000 रुपए की सेल आउट हुई और 100 रुपए की इनकम हुई, तो मैं 9 देशों का 1-1 रुपए और भारत का 1 रुपए इंडिया को टैक्स के रूप में दूंगा। तो आप डिसाइड कर लो कि कौन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। मैंने 9 देशों के 1-1 रुपए निकाल के भारत को दिया और आपने भारत के 10 रुपए को ही भारत में दिया। फिर भी दिमाग आपकी, सोच आपकी, आपको जो कंपनी अच्छा लगे वही करें। फोकट का मेरे नंबर पे कॉल करके बिना मतलब का फालतू का एडवाइस ना दें। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ध्यान से सुने समझे, और बेतुका सवाल करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ और भी वर्ड यूज करके आप लोगों की इज्जत की और ज्यादा तारीफ करूंगा। थैंक यू वेरी मच।